हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग डीसी कॉमिक कैरेक्टर का, जो हम लोग का दूसरा फेवरेट कैरेक्टर माना जाता है बैटमैन, उसको मैं बनाने वाला हूँ। इसको भी मैंने ग्रिड मेथड के थ्रू बना लिया है पहले से ही। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं फुल ट्यूटोरियल ला के दूँ ग्रिड मेथड से कैसे बनता है, तो मैं आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसका पूरा ट्यूटोरियल बना के दूँगा। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे जिस बॉक्स में जो चीज़ बनी है को सेम टू सेम वैसे ही वैसा बनाना है। आँख जिस बॉक्स में बनी है उसी बॉक्स में आँख बनानी है, जितनी छोटी बनी है उसको उतनी छोटी बनानी है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, सेम टू सेम आपको वैसे ही बना लेना है। जहाँ पे शोल्डर आ रहा है वहाँ वैसे बनाइए। इसके बाद आउटलाइनिंग पेन से करके आप पूरा ग्रिड जो है इरेज कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तैयार हो चुकी है, मैंने आउटलाइन बना ली है इसको ब्लैक पेन से। इसके बाद आपको इसका ग्रिड जो है इरेज कर देना है। चलिए अब इंक करते हैं। इसमें इंक करने के लिए मैंने आपको बताया था, या फिर डार्क पोर्शन को इंक करिए, या फिर पूरा जहाँ लाइट पोर्शन पड़ रहा है वहाँ पे इंक करिए। क्लिप आर्ट बनाने का सिर्फ यही एक तरीका है, जहाँ जहाँ डार्क पोर्शन या फिर वहाँ पे इंक करिए, या फिर जहाँ जहाँ लाइट एरिया पड़ रहा है वहाँ पे आप इंक करिए। तो मैंने यहाँ पे जहाँ जहाँ लाइट एरिया पड़ा था मैंने वहाँ वहाँ पे इंक किया इस बार। तो चलिए देखते हैं कैसा बनता है बाद में। The waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. तो गाइस, हम लोगों का जो पोर्ट्रेट है, जो भी हम लोगों का बनाया है ड्राइंग, हम लोगों का बन के तैयार हो चुका है क्लिप आर्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको जो भी चीज़ पूछनी हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए उसमें कि क्या आपको चाहिए। अगर आपको पूरा इसका टाइम लेस वीडियो ना चाहिए, अगर आपको पूरा ट्यूटोरियल चाहिए ढंग से, तो मैं वो आपको बना के दूंगा। और मैं ऐसे ही आपको नए नए कैरेक्टर जो है डीसी कॉमिक्स के और मार्वल के अभी लाता रहूँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर जो भी यहाँ पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बाय।